हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मोर सर्किल की और इसके एनालिटिकल मेथड की। मैं आपको पहले एनालिटिकल मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा कि उसके अंदर आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसे निकलती है, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कैसे निकलती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एनालिटिकल मेथड से निकाल के बताऊंगा, फिर देन आफ्टर अपन उसका मोर सर्किल बनाएंगे। एग्जाम के अंदर आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम मिलेगा। तो आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी होगी जिसके अंदर मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाली है इस प्लेन बॉडी के लिए, ऑब्लिक प्लेन के लिए, तो पहले प्लीज़ आप वो जाके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ होंगे सारे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉब्लम के अंदर, जैसे आपके पास ये प्रॉब्लम दी है, एक ऑब्लिक प्लेन दिया है, उसका एंगल दिया है आपका मेजर एक्सिस से 45 डिग्री, और इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस से 45 डिग्री ही होगा, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने बताया था कि प्लेन बॉडी के ऊपर, जैसे इसका मैं ऑब्लिक कट निकालूं, दिस इज अ 45 डिग्री, यहाँ पे कितनी लगी है आपकी स्ट्रेसेस, 65 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर शेयर स्ट्रेसेस लग रही है, यहाँ पे 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस जगह पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे है आपकी 35 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है। मैंने वहाँ पे बताया था कि आपकी जो शेयर स्ट्रेस, जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस लगी हुई है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी टेंसाइल स्ट्रेस लगी है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो आपकी शेयर स्ट्रेस लग रही है वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव ली जाएगी। तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला निकल रहा था सिग्मा नॉर्मल, यानी कि आपकी नॉर्मल स्ट्रेस का, वहां पर प्लीज वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई टू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये मेरा फॉर्मूला निकलता था वहां पे। ज्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है, वहां पे मैंने निकलवाया है आसानी से, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस फॉर्मूले को, तो प्लीज आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका गिवन डेटा है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी दी है 65, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी दी आपको 35, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी आपको 25। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, तो देखिए 65 प्लस के 35 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 65 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा इज 45, तो 2 थीटा इज 90 डिग्री माइनस के 25 साइन 90 डिग्री। तो यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन हो रही है, बिल्कुल ज़्यादा टफ है ही नहीं है। कह रही है कि 65 प्लस 35 इज 100 डिवाइडेड टू, इट मींस 50 माइनस के 65 माइनस 35 इट मींस आपका 30 डिवाइडेड टू 15 कॉस 90 डिग्री माइनस के 25 साइन 90 डिग्री। कॉस 90 आपको पता ही होगा कितना होता है, और साइन 90 आपको पता ही कितना होगा, कॉस 90 शुड बी 0 और साइन 90 शुड बी 1, दिस पार्ट आपका 0 हो गया, ये कितना हो जाए आपका 50 माइनस के 25, इट मींस आपकी जो स्ट्रेस निकली सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस कितनी निकली 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट? ओके, ये तो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस निकली। अब टेंजेंशियल स्ट्रेसेस देख लेते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस क्या निकलेगी। तो सेम फॉर्मूला है वहां पे जो हमने यूज किया था कि टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल कितना होगा आपका सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई टू, कॉस की जगह साइन हो जाता था साइन टू थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ओके गाइस, कितना होगा देखिए, सिग्मा एक्स इज द 65 माइनस के 35 डिवाइडेड बाई टू साइन टू थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई इज आपको पता है ऑलरेडी कितना है 25 कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 जीरो और साइन 90 इट मींस 1, तो कितना हो गया 65 माइनस 35 दैट द 30 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज अ सिग्मा टेंजेंशियल। इसके बाद और भी डेटा आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं मेरे को, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो यहां पे पहले मैं बात करूंगा आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ज्यादा टफ फॉर्मूला नहीं होता, सिग्मा मैक्स कॉमा सिग्मा मिनिमम इज इक्वल सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस प्लस फॉर द मैक्सिमम माइनस फॉर द मिनिमम अंडर रूट
सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई वाई टू का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ओके वैल्यू पुट करते हैं, 65 प्लस के 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 65 माइनस के 35 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के 25 का होल स्क्वायर। ओके अभी आपको पता होगा कि 65 प्लस 35 इज 100 डिवाइडेड बाई 250 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ कितना होगा देखिए आपका सेम 30 बाई 2 15 का स्क्वायर प्लस के 25 का स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 15 का स्क्वायर प्लस के 25 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 850 कितना आया निकल के आपका प्लस माइनस 29.154। तो यहाँ से आपका सिग्मा मैक्स कितना निकलेगा पहले ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 79.154 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सिग्मा मिनिमम कितना निकलेगा 50 माइनस कर देता हूँ कितना आएगा आपका 20.84 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके एक टाउ मैक्स भी होता है तो मैंने आपको बताया होगा कि ये जो वैल्यू होती है वो आपकी टाउ मैक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो टाउ मैक्स की वैल्यू आपको लास्ट में दिख रही है कितनी है आपकी 29.154। ओके ये वैल्यू मैंने निकाली एनालिटिकल मेथड से। अभी इन वैल्यूज को मैं आइडेंटिफाई करूंगा आपका किससे मोहर सर्किल से। तो उसके मैं रूल्स पहले ही बता चुका हूं पर उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए तो सर पेंसिल थोड़ी डार्क कर लो मार्कर तो ले ले भाई। जब मैंने वहां पे पेन यूज की थी वो थोड़ी सी लाइट थी पर कंसेप्ट पूरा समझाया था, थोड़ी सी इश्यूज थे तो यहां देख लेते हैं। इस बार मैं कुछ ज्यादा चीजें यूज नहीं करूंगा पर आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। यहां पे सिग्मा है जो कि मेरी डायरेक्ट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां टाउ है वो है मेरा शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास पैरामीटर जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां दिया है आपको सिग्मा एक्स कितना दिया है 65 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, सिग्मा वाई 35 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, टाउ एक्स वाई 25 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। पर मैंने वहां पे कंसेप्ट बताया था आपको कि वो कंसेप्ट क्या था, इस तरीके से एंगल था यहां पे यहां सिग्मा एक्स यहां सिग्मा वाई और यहां पे आपका शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई और यहां पे आपका शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। तो मैंने आपको बोला था कि यहां पे मेरे दो कोऑर्डिनेट निकलते हैं, एक इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आता है एक इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आता है सर्किल का। तो उस सर्किल के कोऑर्डिनेट में क्या होता था कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेस को अपन पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते थे फिर आपकी शियर स्ट्रेस आती थी। अगर शियर स्ट्रेस आपकी क्लॉकवाइज होती थी जैसे ये है आपकी क्लॉकवाइज तो वो आपकी पॉजिटिव हो जाती थी, जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव हो जाती थी टाउ सिग्मा वाई माइनस के टाउ एक्स वाई। तो यहां पे भी आप देखिएगा कि आपके यहाँ पे दो कंपोनेंट निकलते हैं, यहाँ पे आपकी 65 दी है ये आपकी 25 दी है, ये आपके यहाँ पे 35 दी है ये 25 दी है। तो यहां से जो आपको कोऑर्डिनेट निकला वो कितना निकला 65.25 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहां से कितना निकला आपका 35.-25। क्यों माइनस क्यों लिया गाइज, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है वो इस वाले प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये वाली स्ट्रेस इसको पॉजिटिवली क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेगी रोटेट करेगी। तो यहां पे आपको पता होगा कि एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, आपको एक स्केल मान के करना है। जैसे मैंने बोला आपको कि 65 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मैं उसको 6.5 सेंटीमीटर मान लूंगा तो मेरी 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर 2.5 हो जाएगी, 35 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी 3.5 हो जाएगी। तो उसी तरीके से करना है। तो मेरे को सबसे पहला कोऑर्डिनेट देखना कहाँ होगा, देखिए मैंने दिखाया यहाँ पे आपको दिस इज 0 दिस इज 1 सेंटीमीटर दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6 और यहाँ पे आगे थोड़ा सा 6.5 ले लीजिए, ठीक है। अब मुझे देखना है यहाँ पे 6.5 पे 2.5 वाला कंपोनेंट लेना है मेरे को कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से चलना पड़ेगा ये 7 ले लीजिए सॉरी, तो इसके मिड में और यहाँ पे क्योंकि ऊपर भी जाऊँगा तो 1, 2, 3 तो इसके मिड में कहीं होगा तो यहाँ पे आके मेरे को एक पॉइंट मिलेगा दिस, ये कितना होगा आपका 65.25, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से भी मिला सकता हूँ, सॉरी ये 6.5 मानना है ना मैंने 6 से मिला दिया सॉरी।
इसके बाद आपका दूसरा देखना पड़ेगा कितना है आपका 35 और माइनस के 2.5, तो माइनस के लिए लाइन आपकी नीचे जाएगी। देखिए कितना होगा 1, 2, 3, तो यहाँ आएगा, और इसके मिड से नीचे जाएंगे कितना 25, तो लगभग ये सेम ही होगा। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा, ये कितना होगा 35.25, क्योंकि माइनस तो रिप्रेजेंट कर दिया मैंने नीचे। अब देखिए आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 35, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 65, तो मिडिल की कितनी बच गई 30, कितनी बची आपकी 30, और यहाँ से मैंने इन दोनों को मिलाया, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, मैंने वहाँ पे भी बताया था, ये आपके सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, किसके, सर्किल के सेंटर को। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू बताता हूँ, जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो इसके रेडियस के बराबर होगी, और मैंने बताया था कि जो रेडियस होती है मोर सर्किल की वो किसके बराबर होती है आपकी टाउ मैक्स के। तो देखिए रेडियस देखते हैं, पहले मिड की वैल्यू कितनी होगी, 35, 65, तो मिड की वैल्यू कितनी होगी आपकी 30, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी आपकी 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कितनी है मेरी 25, तो ये वाली मेरी टाउ मैक्स के बराबर आएगी। देख लेते कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, 25 का स्क्वायर प्लस के 15 का स्क्वायर, अंडर रूट में आंसर निकाल दिया, कितना आ गया 29.15। मैंने क्वेश्चन के अंदर पहले ही बताया था कि 29.15 आपका क्या है, टाउ मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यू भी जो निकल के आई वो कितनी निकली होगी इस स्केल के हिसाब से, 2.9 या 3 भी मान सकते हो, 2.9। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ से आप एक सर्किल बनाएंगे इन दोनों पॉइंट्स को मान के। तो यहाँ से मैंने सर्किल बनाने की कोशिश की, देखिए ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा गलत लग रहा है पर मैंने कोशिश की है सर्किल बनाने की, ठीक है गाइज। यहां से क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि इसकी इस पॉइंट से जो कि मेरा है ओरिजिन, इस पॉइंट से जहां पे पेरीफेरी टच कर रही थी डायरेक्ट स्ट्रेस पे, वहां पे वो आती है आपकी सिग्मा मिनिमम, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर मिनिमम, और जो आउटर पॉइंट होता है वो कैसा होता है आपका सिग्मा मैक्सिमम। तो नीचे रिप्रेजेंट करूंगा, ये हो गया मेरा सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है गाइज। अब देखते हैं मेरी सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही थी। सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आ रही थी आपकी 79.154, मतलब लगभग 8 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है। तो देखिए 7 तो मेरा यहीं खत्म हो गया, तो 8 तक जा रही है, तो कितना था मेरा 79.154 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितनी थी देखिए मेरी 20.84, कितनी थी 20.84, तो देखिए 2 तो ये है और 84 थोड़ी सी आगे है, तो कितना है आपका 20.84 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम भी आ गई और टाउ मैक्स की भी वैल्यू निकल के आ गई। टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी निकली मेरी 29.154, दिस इज टाउ मैक्स जो कि रेडियस है। तो यहां पे लिख दूं मैं, सिग्मा मैक्स मैंने लिखी दिया है, टाउ मैक्स मैंने लिखी दिया 29.154, और आपका सिग्मा मिनिमम भी लिख दिया मैंने, कितना आ रहा है आपका 20.84 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जरूरी बात आती है, वो आती है आपकी नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या होता है, जो आपका प्लेन होता है ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं इसको, इस प्लेन पे क्या होता है कि आपका एंगल बनता है, एंगल कितना है मेरे पास 45, पर जो सर्किल के अंदर बनता है तो कितना बनता है उसका 2 times, तो मैं इस प्लेन के ऊपर 90 degree, क्योंकि 45 आपको एंगल कितना दिया था, देखिए ध्यान से 45 दिया था, कितना दिया था 45, तो उसका क्या करना पड़ेगा 2 times, और मुझे आइडिया भी है कि मेरी नॉर्मल स्ट्रेस कितनी 25 है, तो वो कहां पे बनेगी, लगभग लगभग इस वाले जोन में ही बनेगी, कि 25 पे आएगी, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगी। तो इस प्लेन पे मैंने 90 बनाया, ये आपका देख लीजिए रेड है, तो यहां से देख लेते हैं, ये आपका 90, दिस एंगल शुड बी 90 degree, क्योंकि 2 theta लिया है, क्या लिया है 2 theta ऑब्लिक प्लेन पे, जहां इस पॉइंट पर कट कर रहा है इसको मैंने ए मान लिया। इस ए से मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर से क्या होगा कि जो ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इस परपेंडिकुलर, तो वो होगा आपका सिग्मा नॉर्मल। सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू यहां पे 25 आ रही थी, तो देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 2 और 3 के बीच में, स्केल से बनाता था एग्जैक्ट आता। इसको बोलते हैं आपका सिग्मा टेंजेंशियल, क्या बोलते हैं सिग्मा टाउ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखिए यहां मेरा लगभग कितना हो रहा था 29.15 मैक्सिमम, तो एक काम है तो कितना आ जाएगा आपका
15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक और चीज़ होती है, यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊंगा, यहाँ से मैं इसको मिलाऊंगा, तो ये जो चीज़ होती है वो होती है सिग्मा रिजल्टेंट, वो किसके बराबर होती है, सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस के सिग्मा टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो मैं निकाल के बता सकता हूँ आपको, 25 का स्क्वायर प्लस के 15 का स्क्वायर, मतलब कि 625 प्लस के 225 मैं कर देता हूँ, प्लस के 15 का स्क्वायर कितना निकला मेरा, हाँ आंसर आ जाएगा आपका 29.15 टाउ मैक्स के बराबर निकल गया है। तो ये था आपका मॉड सर्किल के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये फाई होता है आपका जो एंगल होता है नॉर्मल के लिए। सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा टफ नहीं है, कैसे करना है आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप अगर फोकस करोगे तो हो जाएगी प्रॉब्लम, पर आपको बेसिक फॉर्मूले आना जरूरी है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले नहीं आते, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं उसके कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं तो आप प्रॉब्लम कर लोगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि कहीं पे एंगल अलग देता है, कहीं पे माइनर एक्सिस से देता है, या फिर इसकी डायरेक्शन अलग कर देता है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।